का घिनौना चेहरा आया सामने। पाक की नापाक धरती पर दुनिया का सबसे बड़ा स्कैंडल, 5,500 कॉलेज छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाकर लड़कियों को किया जा रहा ब्लैकमेल। बीते कई महीनों से पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े थे, जिसके बाद पाकिस्तान की दुनिया भर में आलोचना हो रही थी क्योंकि कंगाल पाकिस्तान के तेवर जस के तस थे। लेकिन पाकिस्तान में एक और नापाक मामला सामने आया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान में बड़ा सेक्स स्कैंडल हुआ है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बताया जा रहा है, जिसमें 5,500 कॉलेज छात्राओं के अश्लील वीडियो मिले हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि छात्राओं को सुरक्षित रखना उनकी जिम्मेदारी नहीं। पाकिस्तान का स्कैंडल दुनिया भर में चर्चा में बना हुआ है। उधर मामले में पाकिस्तान के उच्च शिक्षा आयोग ने इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर घोटाले की जाँच के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाने का फैसला किया, जिसमें 3 कुलपति और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी शामिल होंगे। दरअसल स्कैंडल से जुड़े अलग अलग वीडियो सामने आए हैं। इनमें से ही एक वीडियो में कार की डिक्की से एक लड़की निकलकर एक घर में जाती नजर आ रही है। इस लड़की को एक शख्स लेकर आता है और घटना का वीडियो बना लेता है। ये पीड़ित लड़की उन हजारों लड़कियों में शामिल है जिन्हें पहले ड्रग्स का आदि बना दिया जाता था, फिर उनकी अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर उनसे मनचाहा काम करवाया जाता था। इस्लामी यूनिवर्सिटी का मामला पाकिस्तान की इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का है, जो पुलिस के मुताबिक नशीली दवाओं और यौन शोषण का अड्डा बन चुकी है। जांच में आरोपियों के मोबाइल से कई सबूत मिले हैं, जिसमें अश्लील वीडियो के साथ ढेरों व्हाट्सएप चैट हैं, जिससे साबित होता है कि गंदा खेल कई सालों से चला रहा था। स्कैंडल का कैसे हुआ खुलासा? पुलिस को इतने बड़े सेक्स स्कैंडल के बारे में अबू बकर की गिरफ्तारी से पता चला, जो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के डायरेक्टर फाइनेंस है, और उन्हें 28 जून को एक लड़की के साथ संदिग्ध हालत में पकड़ा गया। इसके बाद रिटायर्ड मेजर एजाज हुसैन को पकड़ा गया, जो कॉलेज का सिक्योरिटी ऑफिसर है। अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी। मामले में अब तक 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एजाज हुसैन के इशारे पर उन लड़कियों को निशाना बनाया जाता था जो घरों से मजबूर हैं, गरीब हैं। ऐसी लड़कियों को स्कॉलरशिप का लालच देकर उनकी फीस माफ करवाने की बात कहकर फंसाया जाता था। यूनिवर्सिटी में होता था ड्रग सप्लाई। पाकिस्तान में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन हर बार यूनिवर्सिटी की इज्जत का हवाला देकर आरोपियों की करतूत पर पर्दा डाल दिया जाता है। पाकिस्तान की बहावलपुर यूनिवर्सिटी में 113 छात्रों का ड्रग्स रिकॉर्ड भी सामने आ चुका है, लेकिन इसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसका नतीजा आपने देखा कि पाक में किस तरह से नापाक हरकत हो रही है। यहाँ लड़कियों को ड्रग्स देकर उनके अश्लील वीडियो बनाकर उनसे हैवानियत की जा रही है।